Assalamu alaikum. Hello everyone. In today's video, we are going to learn about how to implement call forwarding to any extension. To understand call forwarding, again from the diagram. So, diagram की मदद से मैं आपको explain करने के लिए जा रहा हूँ कि किस तरह call forwarding implement करनी है, मतलब मैं किस तरह की चाह रहा हूँ. 3000 की extension जो है वो ring होती है और जो भी extension में मौजूद है शख्स जिसकी extension है वो receive नहीं करता है 3 ring के बाद या 4 ring कर लें आप, तो कॉल जो है वो चली जाती है 3001 पे. और 3001 पे भी अगर कोई इसको रिसीव नहीं करता है देन बैक टू आ जाती है 3000 पे. इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन मैं करना चाह रहा हूँ. आप अपनी मर्ज़ी से 1000 तरह की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. फॉरवर्डिंग 10 जगह फॉरवर्ड हो गया है, अगर कोई पावर यूज़र है तो वो फॉरवर्ड हो जाएगी उसकी मोबाइल के ऊपर भी फॉरवर्ड हो सकती है अगर एक्सटेंशन मोबाइल पर मौजूद है उसकी. तो सबसे पहले आपने कराना है ऐड कवरेज पाथ. नेक्स्ट कवरेज पाथ के अंदर आपने नंबर डिफाइन कर दिया. कवरेज पाथ एक्चुअल में यूज़ होता है कॉल फॉरवर्डिंग के लिए कि आपको जो कॉल है वो उसको किस पाथ को फॉलो करवाना है, किस कॉल के लिए और किस एक्सटेंशन के लिए. तो एक्सटेंशन पे किस तरह डिफाइन करना है वो मैं आपको स्टेशन के वक्त समझाऊंगा. अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 3001 पे डिफाइन कर दिया 4 ring. एक्टिव हो तो फॉरवर्ड ना हो, बिजी हो तो कॉल फॉरवर्ड हो जाए, अगर आंसर ना करें तो 2 ring के बाद फॉरवर्ड हो जाए. यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं कितनी रिंग के बाद आप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं. अच्छा, इनसाइड कॉल और आउटसाइड कॉल का मतलब ये है कि एक्सटेंशन टू एक्सटेंशन कॉल आ रही है तो फॉरवर्ड हो, या अगर बाहर से कोई कॉल कर रहा है ट्रंक ग्रुप से लेके तो ट्रंक ग्रुप से कॉल आ रही है तो वो अगर फॉरवर्ड हो या ना हो डिफाइन कर रहा है. तो अब ऑल कॉल के लिए भी है या इसको आप डिफाइन कर सकते हैं. तो इनिशियली मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया 3001 पे फॉरवर्ड हो जाए 4 ring के बाद, 3002 पे फॉरवर्ड हो जाए 4 ring के बाद 3000. मर्जी है आपकी. लेकिन अभी ऐसा करते हैं कि मैं इसको जो अपना मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था मैं उसी पे इसको रखता हूँ. तो 3001 की एक्सटेंशन जो है वहाँ ये कॉल फॉरवर्ड होगी और देन बैक टू 3000 पे फॉरवर्ड हो जाएगी. अच्छा जी, इस चीज़ का अपना ख्याल रखना है कि जिस फर्स्ट एक्सटेंशन के ऊपर ये फॉरवर्ड होगी वो कभी वो एक्सटेंशन नहीं हो सकती जिस पे आपने ये डिफाइन करनी है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कॉल फॉरवर्डिंग लगाना चाह रहा हूँ 3001 पे, तो मैंने इसके कवरेज पाथ के अंदर डिफाइन कर दिया 1. तो 3000 पे जो कॉल आएगी वो 4 rings के बाद 3001 पे चली जाएगी. ठीक है, क्योंकि जो कवरेज पाथ 1 मैंने डिफाइन किया उसका पॉइंट नंबर 1 जो है वो क्या है 3001. तो आपकी कॉल कहाँ जाएगी 3001 पे. होप आपने समझी होगी वीडियो को. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगेन टेक केयर.